नेपाल के जंगल में मोटू नाग अपनी पत्नी आलिया नागिन के साथ रहता था। मोटू आइसक्रीम बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करता था। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, जिसके चलते मोटू की रंग बिरंगी आइसक्रीम कोई भी खाने के लिए नहीं आता था। वो अपने ठेले के पास उदास बैठा था। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठंड इतनी बढ़ गई है कि कोई आइसक्रीम खाना ही नहीं चाहता। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। घर में बच्चों का खर्च अब कैसे पूरा करूंगा? शाम को मोटू थका हारा घर पहुंचता है। आज भी उसकी कोई कमाई नहीं हुई थी। क्यों जी, आज आप थके हारे परेशान दिख रहे हैं। लगता है आज भी बिक्री नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। अपने ऊपर जो थोड़ा बहुत कर्ज है वो हम कैसे चुकाएंगे? यही तो मैं भी कह रहा हूँ आलिया, इस ठंड में कोई आइसक्रीम खाना ही नहीं चाहता। तभी आलिया नागिन के दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं। बच्चों, तुम लोग थोड़ी देर के लिए रुको, मैं तुम्हारे बाबा के लिए बर्फ की कुल्फी बना रही हूँ, तुम लोगों के लिए भी बना देती हूँ। नहीं माँ, आज हमें कुल्फा नहीं खाना, तुम पिंकी को कुल्फा खिलाओ, मुझे आज मैगी खाने का मन हो रहा है। माँ, तुम्हें पता है आज मेरे स्कूल में मेरी दोस्त मैगी खा रही थी, उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। माँ, मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है। माँ, मैं आज मैगी खाऊंगी, मुझे तुम 50 रुपए दो ना, मैं भी जाकर मैगी के पैकेट खरीद कर लाती हूँ। आलिया नागिन पिंकी को 50 रुपए दे देती है। जा पिंकी, जल्दी से मैगी खरीद कर ला, मैं तुम लोगों के लिए मैगी बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद आलिया नागिन बच्चों को मैगी बना कर देती है। बच्चों को मैगी खाते देखकर आलिया नागिन अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, आजकल बच्चे और बड़े मैगी खाना पसंद करते हैं, तुम भी कुल्फी की जगह गरम गरम मैगी बेचना शुरू कर दो। अरे नहीं आलिया नागिन, जहाँ मैं कुल्फी बेचता हूँ वहाँ कई जगह पर मैगी बिकती है, हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। तो तुम चाय बेचो, चाय तो सभी शौक से पीते हैं। आलिया, मैं सोच रहा हूँ चाय की जगह मैगी ठीक रहेगी, क्यों ना मैं मैगी ही बेचूं। जगह जगह पर ठेले जो लगे हुए हैं मैगी के, आखिर मैगी बिक रही है ना। हाँ मोटू, मैगी अच्छी बिकेगी, मैं कल बहुत सारी मैगी बना दूंगी तुम्हें। आलिया नागिन, मैं तो कहता हूँ कल से तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर मैगी बेचेंगे। अगले दिन आलिया नागिन अपने पति के साथ मैगी बेचने जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म मैगी खाइए, नेपाल की मशहूर मैगी, आइए आइए। आलिया नागिन की आवाज सुनकर कुछ नाग आलिया नागिन के ठेले पर आते हैं। अरे बहन, मैंने तो आज तक ऐसी स्वादिष्ट मैगी नहीं खाई, जरा मुझे भी दो ना एक प्लेट। आलिया नागिन सबको मैगी खाने के लिए देती है। अरे वाह, ऐसी मैगी का तो जवाब नहीं, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। कुछ ही घंटों में आलिया नागिन की सारी मैगी बिक जाती है। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। देखा जी, हमारा मैगी बेचने का आइडिया तो बहुत ही अच्छा था, कल से हमको और भी मैगी का सामान खरीद कर लाना होगा। इसी तरह आलिया नागिन अपने पति के साथ मैगी बेचने लगती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। वो बच्ची अब बड़ी हो जाती है। एक दिन वो बच्ची जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि मोटू नाग को कुछ नैलवे एक जाल में जकड़े हुए हैं। वो बच्ची जल्दी से जाकर मोटू नाग को उस जाल से आजाद करा देती है। भागो भागो यहाँ से दोस्तों, देखो एक आदमजात हमारी तरफ आ रही है, भागो यहाँ से, जल्दी करो।
एक दफा का जिक्र है कि ढोलकपुर के गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी चार बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा ना था। किसान की पत्नी इस बार गर्भवती थी। सुनती हो जी, अगर इस बार भी बेटी हुई तो फिर हम लोग पांच पांच बेटियों का बोझ कैसे उठाएंगे? ऐसी बातें क्यों करते हो जी, इंशाल्लाह इस बार बेटा ही पैदा होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। दिन तेजी से गुजरने लगते हैं। एक दिन किसान अपनी फसलों में काम करके घर वापस आता है। सुनते हो जी, मुझे दर्द हो रहा है, लगता है आज बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तुम फिक्र मत करो, मैं घर में मौजूद हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जल्दी से जाकर दाई को ले आऊँगा। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है। अचानक आधी रात को किसान की पत्नी को बहुत दर्द शुरू हो जाता है। सलमा के अब्बू जी, सुनते हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम जल्दी से जाकर दाई अम्मा को ले आओ। अच्छा सलमा की माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर किसान दाई अम्मा को लेने चला जाता है। उधर किसान की पत्नी को दर्द ज्यादा हो जाता है। थोड़ी ही देर में किसान दाई को लेकर आ जाता है। कुछ ही देर में किसान की पत्नी को एक खूबसूरत सी बच्ची पैदा होती है। लेकिन बच्ची के पैदा होते ही किसान की बीवी बेहोश हो जाती है। जब ये खबर किसान तक पहुंचती है, मुबारक हो बेटा, अल्लाह पाक ने आपको रहमत से नवाजा है, अल्लाह पाक ने आपको बहुत प्यारी बेटी दी है, तुम्हारी बीवी बेहोश है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, बहुत जल्द होश में आ जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। दाई के जाने के बाद किसान सोचता है, एक और बेटी, मेरे घर में पांच पांच बेटियां हैं, मैं इनकी परवरिश कैसे करूंगा? नहीं नहीं, एक और बेटी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। सलमा की अम्मी के होश में आने से पहले मुझे इस बच्ची को जंगल में फेंक कर आना होगा, और मैं अपनी पत्नी से कह दूंगा कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी और मैं उसे दफन कराया। चुनाचा किसान ऐसा ही करता है। वो अपनी बच्ची को जंगल में छोड़ देता है और कहता है, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, गरीबी के कारण मुझे तुमको यहाँ छोड़कर जाना पड़ रहा है, खुदारा मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। किसान अपनी बच्ची को जंगल में छोड़कर घर चला जाता है। उसकी पत्नी जब होश में आती है तो किसान कहता है कि उसे एक मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी। उसी जंगल में जहां किसान अपनी बच्ची को छोड़कर आता है, वहां आलिया नागिन और उसका पति मोटू नाग रहते थे। उनकी कोई औलाद ना थी, जिसकी वजह से आलिया नागिन हर वक्त सोच में रहती थी। अगली सुबह जब आलिया नागिन उसी जंगल में खाने की तलाश में जाती है तो उसे उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आलिया नागिन आवाज़ की दिशा में चली जाती है और वहां जाकर वो देखती है एक खूबसूरत आदमजात बच्ची है जो भूख की वजह से रो रही है। ये क्या, ये बच्ची यहाँ कैसे आई? लगता है कोई इसे यहाँ फेंक कर गया है, अगर ये बच्ची यहीं पड़ी रही तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे इस बच्ची की परवरिश करनी होगी, वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है, लगता है अल्लाह ताला ने इसे यहाँ मेरे लिए भेजा है। आलिया नागिन ये कहकर उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है। बच्चे को देखकर मोटू नाग उससे कहता है, अरे आलिया, तुम किसका बच्चा लेकर आई हो, इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कैसे बाप हो तुम, इतने सालों बाद मैंने बच्चा दिया है, तुम अपने ही बच्चे को खाना चाहते हो? क्या तुम सच कह रही हो, क्या ये हमारा बच्चा है? मोटू नाग बहुत खुश हो जाता है। समय गुजरने पर वो बच्चा बड़ा हो जाता है। उस बच्चे को देखकर मोटू नाग आग बबूला हो जाता है और कहता है, सच सच बताओ आलिया नागिन, ये किसका बच्चा है? ये तो किसी इंसान का बच्चा है, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अभी के अभी
छोड़कर जा रहा हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। मत जाओ मुझे छोड़कर मोटू जी, ये मेरी ही बच्ची है। लेकिन मोटू उनकी एक नहीं सुनता और उसे छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। आलिया नागिन अकेले ही सांवली को पालने लगी। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं, वो बच्ची अब बड़ी हो जाती है। एक दिन वो बच्ची जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि मोटू नाग को कुछ नैलवे एक जाल में जकड़े हुए हैं। वो बच्ची जल्दी से जाकर मोटू नाग को उस जाल से आजाद करा देती है। भागो भागो यहाँ से दोस्तों, देखो एक आदमजात हमारी तरफ आ रही है, भागो यहाँ से जल्दी करो। बेटा तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। अंकल जी आपको काफी गहरी चोट आई है, मेरा घर पास है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। मोटू नाग उस बच्ची के साथ उसके घर आता है और वहाँ पर वो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, आलिया तुम और ये बच्ची, क्या ये वही बच्ची है? हाँ मोटू मैं आपकी पत्नी हूँ और ये वही बच्ची है। आलिया मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर ये बच्ची मुझे आज ना बचाती तो मैं कब का मर चुका होता। बेटा मैं आलिया नागन का पति और तुम्हारा बाप हूँ। कुछ साल पहले मैं आप लोगों से खफा होकर चला गया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था। मैं अब आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। खुदारा मुझे माफ कर दो। सच में अब्बा जान आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे? हाँ बेटा अब मैं हमेशा के लिए आप लोगों के साथ रहूंगा। इसके बाद सब मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।